Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number seventy-eight, and we are going to talk about your total leadership coaching network. जब हम total leadership coaching network की बात करते हैं, तो हमें एक रहबर रहनुमा की जरूरत हो सकती है, जो हमें guide कर सके, train कर सके कि हम अपने leadership perspective को कैसे establish वो करें. Therefore, When we talk about coaching leadership, remember that there are two types of leadership perspectives, or two types of coaches, Jinki The first one is directive coaching. Which means listening to your client and offering advice. And the second is non-directive coaching, just make listening to your client and asking questions to each to reach the solution independently. So, उसमें आप कंटिन्यूस गाइड नहीं करते हो ट्रेन एंड सपोर्ट एंड डेवलप वो ज्यादा इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली नहीं करते हो सो so, अब ये दो कोचिंग प्रस्पेक्टिव हमारे पास हो सकते हैं जिन कोचिंग प्रस्पेक्टिव में हमें सहारा मिल पाएगा अपने आप को एज अ टोटल लीडर इस्टेब्लिश करने में सो कोचिज हेल्प यू टू बी रियल एंड वेन दे हेल्प यू टू बी रियल रिमेंबर के कोचिज गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर वन दैट वेयर यू आर गोइंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें वेयर है उसको evaluate कर सकें। your core values, इसको understand करें वो। Then, experience that have changed your life. तो आपकी जिंदगी के वो कौन से इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हैं जो कि एक तब्दीली को लेकर आ रहे हैं सो द कोच इज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड वट्स इंपॉर्टेंट टू यू आपके लिए अहम क्या है आपके मोटिव और वो क्या है इज दैट योर लीडरशिप विजन इज शेयर विद यू एंड द कोच इज देयर टू गाइड यू ट्रेन एंड डेवेलप यू कि आप अपने आप को ज्यादा बेहतर नेटवर्क में किस तरह से लेकर आ सकते हो ना कोचिज कैन हेल्प यू टू बी होल एंड वेन आर हेल्पिंग यू टू बी होल द कोचिज कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड नंबर वन द डायमिक्स ऑफ योर सोशल वर्ल्ड कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके तकाजे और पैमाने क्या हैं और आप अपने आप को कैसे बेहतर इन्वॉल्व वो कर सकते हो गेट द मोस्ट वैल्यू फ्रॉम योर स्टेक होल्डर कि आप अपने तालुकात और मामला से मैक्सिमम आउटकम अचीव वो कैसे करोगे हेल्प यू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन तो ये कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक्सपेक्टेशन को भी आपके लिए ट्रांसलेट वो कर सके एंड देन हेल्प यू बेटर स्टेब्लिश योर फोर वे विन्स और आपको तमाम एक्सरसाइजेस से गुजारकर द कोच इज एबल टू इंटरप्रेट फॉर यू के वट इज रादर मोर बेनिफिशियल इन योर कॉन्टेक्सट सो कोचि द कोचिज कैन प्रोवाइड यू द फीडबैक द फीडबैक अबाउट योर experiments कि आपने कब कहा क्यों कैसे क्या गलती की क्या सही किया अबाउट द न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स कि आप और किन किन तरीकों से अपने ताल्लुका और मामला को बेहतर वह बना सकते हो

कि बाज अगर आप एंग्जाइटी में आप ज्यादा इंथ्यूजिया होकर अपने फैसले गलत तरीके से भी अगर कर रहे हो तो कोच इज देयर टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन सो उस नॉर्मलाइजेशन से यू आर एबल टू बेटर फाइंड द वेज टू अचीव योर गोल्स ऑफ लाइफ डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो एक कोच का रोल बहुत अहम है हमारे इस टोटल लीडरशिप के हवाले से बिकॉज द कोच इज एबल टू Guide you, train you, develop you to be real, you to be the whole you and to be more innovative and creative. Thank you.